जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे, शिमला में नहीं अब बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की अगली मीटिंग। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया नई तारीखों का ऐलान। तो वहीं बगावत करने वालों पर एनसीपी ने ले लिया बड़ा एक्शन। अजीत पवार समेत 9 विधायकों को पार्टी से कर दिया बर्खास्त। तो वहीं अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 3 महीने में बदल दूंगा पूरा खेल, सारे विधायक आ जाएंगे वापस। तो उधर एनसीपी में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की उठी मांगा। मुंबई में लगे पोस्टर। तो वहीं जयपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले यूसीसी के नाम पर हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं पीएम मोदी। तो वहीं महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत पर दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान। बोले ये डकैती नहीं बल्कि उच्च स्तर का विश्वासघात है। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दलों की अगली मीटिंग अब शिमला के बजाय बेंगलुरु में होगी। कांग्रेस पार्टी ने नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्षी दल एकजुटता दिखाने में लगे हैं। बिहार के पटना में विपक्षी एकता मोर्चा की पहली मीटिंग 23 जून को हो चुकी है। अब दूसरी मीटिंग की तारीख और जगह भी निर्धारित कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोमवार को घोषणा की गई कि विपक्षी दलों की अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। में बड़े राजनीतिक उथल पुथल के बाद अब इस मीटिंग को शिमला के बजाय कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जाएगा। खबर के मुताबिक कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पर इस बात की घोषणा की और कहा कि हम फांसीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने के अपने अटूट संकल्प पर कायम हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पटना में बेहद सफल सर्व विपक्ष बैठक के बाद हम 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में अगली बैठक करेंगे। हम फांसीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने के अपने अटूट संकल्प पर कायम हैं और देश को आगे ले जाने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अब विपक्षी दलों की अगली मीटिंग 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। अगली बड़ी खबर, बगावत करने वालों पर एनसीपी ने ले लिया बड़ा एक्शन। अजीत पवार समेत 9 विधायकों को पार्टी से कर दिया बर्खास्त। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उठे सियासी तूफान के बाद राजनीतिक उठापटक जारी है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बगावत करने वाले अजीत पवार समेत 9 विधायकों पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से तत्काल बर्खास्त कर दिया है। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने इन विधायकों को बर्खास्त करते हुए कहा कि इनकी तरफ से पार्टी के प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जयंत पाटिल के इस फैसले को एनसीपी चीफ शरद पवार का समर्थन मिला है। शरद पवार ने कहा कि उनके निर्णय को हमारा समर्थन रहेगा, हम नया संगठन खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि कौन गया, किसके लिए गया, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं क्योंकि ये अब 2 से 3 बार हो चुका है। राज्य में हमारा संगठन मजबूत है। शरद पवार ने कहा कि एक बार मैं विदेश गया था तो कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे, मुझे कोई चिंता नहीं थी। अजीत पवार का फैसला उनका निजी है। शरद पवार ने कहा कि उनकी बातों का अब कोई भी महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों का समर्थन हम लोगों के साथ है, जनता का प्यार बना रहा तो हम पूरी तस्वीर बदल देंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि एनसीपी भी हम लोगों के साथ है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम जल्द ही एक नया संगठन और मजबूत संगठन खड़ा करेंगे। और बड़ी खबर, अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 3 महीने में बदल दूंगा पूरा खेल, सारे विधायक आ जाएंगे वापस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के पार्टी छोड़कर जाने के मुद्दे पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। सीनियर शरद पवार ने कहा कि मुझे छोड़कर पार्टी से जाने वाले लोग पहले भी चुनाव हार चुके हैं। अजीत पवार के साथ गए विधायकों को अल्टीमेटम देते हुए शरद पवार ने कहा कि उनके पास अभी भी वक्त है, वो चाहे तो वापस पार्टी में आ सकते हैं, अन्यथा मैं पूरा खेल 3 महीने में ही बदल दूंगा। शरद पवार ने बताया कि बागी विधायक वापस एनसीपी में आने का मन बना रहे हैं। अजीत पवार खेमे से कई लोगों ने मुझसे फोन पर बातचीत की है, उनका कहना है कि वो एनसीपी की विचारधारा में ही विश्वास रखते हैं, लिहाजा वापसी को लेकर अगले कुछ दिनों में अंतिम फैसला लेंगे। सवाल पूछा गया कि क्या भतीजे अजीत पवार के पार्टी से बागी होने की इस घटना को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। इस पर
शरद पवार ने कहा कि ये एक तुच्छ बात होगी, केवल कम दिमाग वाले लोग ही ऐसा कह सकते हैं। मैं राज्य के दौरे पर निकला हूँ, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करूंगा। कुछ नेताओं ने जो किया है उससे कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि बागी विधायक अगर वापस पार्टी में आ जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अलग तरीके से काम किया है। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो दुर्भावनाओं से किसी के खिलाफ काम करूं। आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने ऐलान कर दिया है और उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे जल्द ही पार्टी में वापस आने की अपील करता हूं। यदि वो पार्टी में नहीं आए तो मैं 3 महीने के अंदर पूरा खेल बदल दूंगा। अगली बड़ी खबर, एनसीपी में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की उठी मांग, मुंबई में लगे पोस्टर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से पिछले 4 सालों से लगातार राजनीतिक उठापटक जारी है। इन 4 सालों के दौरान महाराष्ट्र में सरकार उथल पुथल के बीच ही चलती रही। महाराष्ट्र में विधायकों के दल बदल या सरकारें गिरने के कारण अब तक 4 बार शपथ ग्रहण समारोह हो चुके हैं। ताजा मामला एनसीपी के गद्दावर नेता अजीत पवार के बागी होने के बाद महाराष्ट्र की एनडीए गठबंधन सरकार को समर्थन देकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने का है। इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद अब महाराष्ट्र में नई पोस्टरबाजी शुरू हो गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को साथ साथ आने की मांग की जा रही है। अगले साल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में पोस्टर लगाकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे से अपने कट्टर प्रतिद्वंदी चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से राज्य की राजनीति में लगातार हो रहे बदलावों के बीच हाथ मिलाने का आग्रह किया गया है। इसको लेकर समाचार एजेंसी एनआई की ओर से भी एक वीडियो साझा किया गया है। वीडियो में दादर पश्चिम में रामगणेश गडकरी चौक पर एक पेट्रोल पंप के बाहर ठाकरे के चचेरे भाइयों से एक साथ आने का आग्रह करने वाला पोस्टर लगाया गया है। मनसी नेता लक्ष्मण पाटिल द्वारा लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति कीचड़ में हो गई है। ये पहले शिवसेना और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर हो रहे दल बदल के स्पष्ट संदर्भ में है। पोस्टर में कहा गया है कि एक महाराष्ट्रीयन सैनिक का आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध अनुरोध है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आप एक साथ आ जाएं। पूरा महाराष्ट्र आपका इंतजार कर रहा है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत पर दिग्विजय सिंह ने बोला जबरदस्त हमला। बोले ये न केवल डकैती है बल्कि उच्च स्तर का विश्वासघात है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले धड़े के कारण एनसीपी में हुए विभाजन को उच्च स्तर का विश्वासघात करार दिया है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत कर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये गुगली नहीं बल्कि डकैती है। वहीं शरद पवार की टिप्पणियों पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शरद पवार साहब ये आपके साथ ना केवल डकैती है बल्कि सर्वोच्च स्तर का विश्वासघात है। आपको बता दें कि पत्रकारों ने जब शरद पवार से पूछा कि क्या एनसीपी के 9 नेताओं द्वारा उठाया गया कदम बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था या फिर आपकी फेंकी गई गुगली थी जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में बात की थी, तो इसके जवाब में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि ये गुगली नहीं बल्कि ये एक बड़ी डकैती है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र में एनसीपी के बीच हुए दो फाड़ को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने पर कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है, ये कर्मों का परिणाम है। अब महाराष्ट्र में विपक्ष लगभग खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले शिवसेना गई फिर अब एनसीपी गई। उन्होंने कहा कि देश अब पीएम मोदी के पीछे खड़ा है, बाकी जगहों पर देखिए क्या होता है। आपको बता दें कि फिलहाल अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को जोरदार झटका देते हुए एनडीए में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लिया है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अजीत पवार के बाद अब यूपी में जयंत चौधरी की बारी। दिल्ली में एक मीटिंग के बाद यूपी में भी महाराष्ट्र जैसे खेल के लग रहे कयास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1 साल बाद फिर से बड़ा खेल हुआ है और विपक्ष के नेता रहे अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं और उन्होंने 8 और नेताओं को मंत्री बनवा दिया है। उनका कहना है कि एनसीपी के 40 विधायक हमारे साथ हैं जो भाजपा सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है।
2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले रालोद नेता जयंत चौधरी भाजपा के साथ आ सकते हैं। रालोद के आने से भाजपा पश्चिम यूपी में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में जाट मतदाताओं के बीच भी वो पैठ बना सकती है। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी ने रविवार को दिल्ली में एक केंद्र मंत्री से मुलाकात की थी। 2 घंटे तक चली मीटिंग में जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर चर्चा शुरू हो गई है। यही नहीं, रविवार को यूपीआई केंद्र मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जयंत चौधरी आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी पटना में हुई विपक्ष की मीटिंग में नहीं गए थे, वो अखिलेश यादव से नाराज हैं और हमारे साथ आ सकते हैं। इस तरह यदि जयंत चौधरी पाला बदलकर भाजपा के साथ में आते हैं तो फिर विपक्षी एकता को एनसीपी में फूट के बाद कुछ ही दिनों के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगेगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले यूसीसी के नाम पर हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूसीसी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, जबकि कांग्रेसी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर के रामलीला मैदान में एआईएमआईएम के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समानता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वे इससे कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, जबकि कांग्रेसी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूसीसी के बारे में खुलकर नहीं बोलती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान पर तो कांग्रेसी नेताओं ने जमकर बयानबाजी की, लेकिन यूसीसी पर एक भी कांग्रेसी मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि उन्हें अपने आलाकमान को खुश करना है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने महाराष्ट्र के जैसा प्लान कई राज्यों के लिए कर लिया तैयार, विपक्ष की बढ़ती जा रही टेंशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी एकता के लिए पटना में हुई मीटिंग के बाद से देश भर में गैर एनडीए दल बेहद उत्साहित थे। विपक्ष का यहां तक कहना था कि बिहार और महाराष्ट्र में उनकी एकता भाजपा को भारी पड़ने वाली है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और बिहार में महागठबंधन के चलते भाजपा की स्थिति कमजोर बताई जा रही थी, लेकिन चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है और हालात अभी से बदलते दिख रहे हैं। एक तरफ भाजपा ने बिहार में जीतनराम मांझी को अपने साथ ले लिया, तो वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बाद अब अजीत पवार को भी 40 विधायकों के साथ तोड़ लिया है। इससे महाराष्ट्र में भाजपा यानी एनडीए का खेमा बेहद मजबूत हो गया है। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी भाजपा ऐसा ही प्लान बना रही है। बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। खबरें हैं कि भाजपा की रालोद नेता जयंत चौधरी से बातचीत चल रही है। यहां तक चर्चाएं हैं कि रालोद का भाजपा में विलय हो सकता है या फिर गठबंधन भी हो सकता है। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा की सीटें हैं, इसीलिए ये राज्य बेहद अहम है। वहीं यूपी में भी सुभाषपा को साथ लाने के बाद अब रालोद पर नजरें हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी और अपना दल पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। आपको बता दें कि इस तरह भाजपा यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में क्षेत्र दलों को साथ लेकर या फिर गुटबाजी का फायदा उठाते हुए खुद को बड़ा मजबूत करती जा रही है। बड़ी बड़ी खबर, एनसीपी में बगावत के बीच राज ठाकरे ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले कल को यदि सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाएंगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार के एक कदम ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनते ही शरद पवार खेमे की तरफ से अब हमला तेज हो गया है। तो वहीं राज्य की एक अन्य पार्टी यानी मनसे के चीफ राज ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम को ही सियासी ड्रामा करार दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि एनसीपी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यह बात शरद पवार को पता ना हो। मनसे चीफ राज ठाकरे ने मुंबई स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देखिए, एक बात समझने के लायक है कि शरद पवार भले ही ये क्यों ना बोलते हों कि उनका इस घटना से कोई भी संबंध नहीं है, चाहे वो दिलीप वलसे पाटिल हों या प्रफुल्ल पटेल हों या फिर छगन भुजबल हों, ये लोग पार्टी से ऐसे ही नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल को अगर सुप्रिया सुले केंद्र में
मंत्री बन जाएंगी तो भी मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। आपको बता दें कि मनसे चीफ राजीव ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम को सियासी ड्रामा करार दिया है। राजीव ठाकरे ने कहा है कि एनसीपी के बड़े नेता अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बात शरद पवार को पता ना हो। आपको बता दें कि उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कहा है कि ये बात शरद पवार को पता है और ये पूरा ड्रामा शरद पवार के शह में हुआ है। अगली बड़ी खबर, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। नई चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में लैंडफॉर्ड जॉब कथित घोटाले के मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस आरोप पत्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई अन्य के खिलाफ पहले ही एक आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। हालांकि इस पर सुनवाई के लिए कोई भी तारीख नहीं दी गई है, लेकिन ये मामला पहले से ही 12 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। आपको बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट को सूचित किया है कि इस मामले में पहले ही एक चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ये नया आरोप पत्र दाखिल किया गया है क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके का मामला है। इसमें कथित तौर पर किया गया घोटाला भी एकदम अलग तरीके का है। ये मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 और 2009 के दौरान यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। ऐसे आरोप हैं कि उस समय भारतीय रेलवे के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रुप डी पदों पर लोगों की नियुक्ति हुई थी और इसके बदले में उन लोगों ने यादव परिवार के सदस्यों और लाभार्थी कंपनी एके इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड को अपनी जमीन ट्रांसफर की थी। आपको बता दें कि फिलहाल जमीन के बदले नौकरी घोटाले में अब सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल कर दी है जिसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत, कहा गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने सिसोदिया की जमानत देने का विरोध करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया के पास 18 से ज्यादा मंत्रालय थे, वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने ईडी की इस दलील को स्वीकार करते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिया बड़ा फैसला, अब हरियाणा में कुंवारों को भी मिलेगी पेंशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारों को बड़ी राहत दी है। दरअसल हरियाणा जल्द ही कुंवारों को पेंशन मिलेगी। बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसका फायदा 45 से लेकर 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा। हालांकि पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम होगी। मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से 1,25,000 कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।